कोडोमिनेंस। थर्ड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन है, डिविएशन है, सब मेंडल के बाद की कहानी आई है, पोस्ट मेंडलिज्म। चलिए पहला एग्जाम्पल लिखिए इसमें। एग्जाम्पल, कोट कलर या स्किन कलर ऑफ शॉर्ट हॉर्न कैटल्स। कुछ मवेशी है दूध देने वाले जानवर, छोटे सींग वाले, उनमें इसको देखा गया था। बहुत सिंपल है, इनमें जो स्किन कलर है, दो तरह का कलर है, एक लाल और एक सफेद। अब एक्चुअली रेड इज नहीं है, पर वो थोड़ा सा सुनहरा सा कलर होता है, और एक एकदम वाइट कलर की स्किन होती है। गाय भैंस है ये, बेसिकली गाय मवेशी है ये। तो बना लेते हैं अपन फटाफट से, रेड और वाइट दो पेरेंट्स ले लिए होंगे, ये पेरेंट्स होंगे। मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ पेरेंट है, तो और अच्छा क्या लिखना चाहिए, रेड की प्योर रेड या प्योर वाइट। ऑफकोर्स, चलो क्या एक्सपेक्ट किया होगा एफ वन में, जो भी एक डोमिनेंट वाला है, ठीक है, सपोज रेड है तो ऑल रेड, फिर उनका क्रॉस किया होगा तो एफ टू में क्या एक्सपेक्ट किया होगा, 3:1 का रेशियो, तीन रेड और एक वाइट, ये एक्सपेक्टेड होगा। लिख लो फटाफट। अब ये अगर कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, गैमिट्स नहीं बनाऊं बार बार चलेगा, गैमिट का फॉर्मूला, टाइप ऑफ गैमिट, 2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर, यहाँ कितने हेटरोजाइगस पेयर है, जीरो, कितने टाइप के गैमिट्स बनेंगे, एक ही टाइप का। चल तो ये सारे कैपिटल आर स्मॉल आर होते, फिर इसका क्रॉस कराते, ठीक है, अब डायरेक्ट क्रॉसेस कर देते हैं अपन। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो सारा, एक आता कैपिटल आर, दो आ जाते कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक आता स्मॉल आर स्मॉल आर, यही होता। चलिए अब हुआ क्या, एक्चुअली ये नहीं मिला, अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो यहां कौन सा कलर आता, पिंक, अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होता तो रेड। पर हुआ क्या, यहां पर व्हाइट पैचेस और रेड कलर, या रेड पैचेस और व्हाइट कलर, ऐसा देखने को मिला। इसका मतलब समझिएगा, इसे रोअन बोलते हैं, रोअन मतलब चितकबरा। जैसे आपने गाय देखी होंगी, सफेद है पर काले धब्बे हैं, तो काला और सफेद ग्रे नहीं हो रहा है, काला काला है, वाइट वाइट है। यहां पर हुआ क्या है, इसने भी अपना पिगमेंट बनाया, प्रोडक्ट बनाया, इसने भी अपना प्रोडक्ट बनाया। अगर सिर्फ ये प्रोडक्ट बनाता तो रेड कलर आता, अगर यही प्रोडक्ट बनाता पर थोड़ा कम बनाता, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, तो पिंक कलर आता। लेकिन यहां इसने भी पूरा प्रोडक्ट बनाया, इसने भी पूरा प्रोडक्ट बनाया, तो या तो रेड स्किन थी, बीच बीच में व्हाइट पैचेस थे, या पूरी व्हाइट स्किन थी और बीच बीच में रेड पैचेस थे। यानी यहां पर कोई किसी पे दादागिरी नहीं कर रहा, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, को डोमिनेंट। मुझे बताओ अगर रेड कलर आता तो क्या कहते, एफ वन रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट, बोथ द पेरेंट्स, नन ऑफ द पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता, पिंक आता, नन ऑफ द पेरेंट, और अभी क्या कहोगे, रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। चलिए लिख लीजिएगा, एफ वन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। अगर आपको एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये वन ऑफ द पेरेंट, बोथ द पेरेंट्स, नन ऑफ द पेरेंट्स, आप कलर याद करोगे तो ही आ जाएगा। पिंक आ रहा है, ना लाल ना सफेद, नन ऑफ द पेरेंट, रेड और व्हाइट दोनों आ रहे हैं, चितकबरा, बोथ द पेरेंट्स। चलिए इसी हिसाब से ये रेशियोज भी नहीं मिले, एफ टू में क्या मिलेगा, ये वाला तो रेड, ये वाले चितकबरे रोन, और ये वाला व्हाइट, ये हो गया फीनोटिपिक रेशियो। ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो भी, एक मिलेगा कैपिटल आर, दो मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। बिल्कुल सेम ऐसे रेशियोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आए थे, पर वहां पे टू का मतलब पिंक था, यहाँ टू का मतलब रोअन है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, भले ही रेशियो सेम है। तो हमने देखा टेस्ट क्रॉस में अगर हेटरोजाइगस है तो दोनों जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो 1:1 थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों 1:2:1 थे, और को डोमिनेंस में भी दोनों 1:2:1 है। चलो मुझे बताओ क्या यहाँ पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाइट ऐसा का ऐसा आ गया, रेड ऐसा का ऐसा आ गया, अगर ये ब्लेंड हो गया होता यहाँ एफ वन में तो ना रेड मिलता ना व्हाइट मिलता,
यानी यहां पे भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलोस, उसका कोई अपवाद नहीं है, नो ब्लेंडिंग मिक्सिंग ब्लेंडिंग वो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था आपसे अपन बार बार ये प्रूफ करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है और ब्लेंडिंग नहीं होती है। रेशियोज एक साथ लिखते जाइएगा। अब आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, बार बार गैमिट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार पुन्नेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पुन्नेट स्क्वायर बनाना होता तो क्या करते, ऐसे बना देते, ये बना देते ऐसे करके, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख देते, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर लिख देते, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, जैसा एनसीईआरटी में तिरछा बना हुआ है। सीधा बनाना होता तो ऐसा बना देते, इधर लिख देते गैमिट्स, इधर लिख देते गैमिट्स और इधर क्रॉस कर देते, राइट। हम फोक लाइन मेथड से करते हैं, हो गया सबका। चलो इसके और एग्जांपल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे एफ वन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली, अपना अपना। इसीलिए कई बुक्स में आपको, आप भले ही मत लिखना, ये ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि भाई जब ये इक्वली डोमिनेंट है तो ये बोलेगा मुझे स्मॉल अल्फाबेट क्यों दे रहे हो, तो इसको कैपिटल आर कर देते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, ये वाइट दे रहा है तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, तो उस हिसाब से ये सारे फिर ऐसे बन जाएंगे। कई बुक्स में ऐसा लिखा दिखेगा आपको, यहां पर ये वाली चीज फिर ऐसी हो जाएगी, ये वाली चीज ऐसी हो जाएगी, आप लिखना मत अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। पर ये अपन सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों डोमिनेंट है तो दोनों को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो एफ वन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिख लिया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, सेकेंड एग्जाम्पल ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको। सेकेंड एग्जाम्पल सिकल सेल अनीमिया करियर्स, लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिकल सेल अनीमिया करियर्स, करियर्स, सिकल सेल अनीमिया करियर्स। चलिए देखो, एक बात समझ लो, सिकल सेल एनीमिया मतलब जिसमें आरबीसी ऐसे सिकल शेप के बनते हैं, ये तीन कंडीशंस होती हैं, लिखिएगा एबीसी करके लिखो। पहला, जब हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा, उसको बनाने वाला जो भी जीन है, जिस भी क्रोमोसोम पर है, हम आगे डिटेल में बात करेंगे, सपोज वो नॉर्मल अलील को मैं ए लिखती हूँ, सपोज, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर है, कैपिटल ए कैपिटल ए समझ लो आप, ऐसा लिख दिया इसको, ये नॉर्मल है, लिखिएगा नॉर्मल इंसान, इसके 100% आरबीसी नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा होता है ऐसा, इसका मतलब है दोनों क्रोमोसोम पर जो अलील है, अब भाषा समझ आ रही होगी, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो अलील है उसमें म्यूटेशन हो गया है, चेंज आ गया है, तो ये दोनों ही जो है ये सिकल सेल शेप आरबीसी बनाएंगे, और वो आरबीसी हसिया शेप का है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, ये इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, ये मर जाएगा, ये डिजीज्ड है, इसे सिकल सेल अनीमिया की बीमारी है, ये मर जाता है, ये प्यूबर्टी तक जिंदा ही नहीं रह सकता, यानी एक तरह से ऐसा इंसान पॉपुलेशन में मिलेगा ही नहीं, ये होता ही नहीं, ये पहले ही मर जाते हैं। तीसरी सिचुएशन हेटेरोजाइगस, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये रेसेसिव कंडीशन हो गई, होमोजाइगस रेसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट और ये हेटरोजाइगस। इसमें क्या होता है, 50% आरबीसी नॉर्मल बनते हैं और 50% सिकल शेप बनते हैं, तो क्योंकि 50%, देखो ध्यान से समझो, अगर ये अलील इस अलील पर डोमिनेंट होता तो इस कंडीशन में 100% आरबीसी नॉर्मल बनते, अगर ये अलील डोमिनेंट होता तो इस कंडीशन में भी 100% सिकल सेल, पर ये दोनों इक्वली डोमिनेंट है, इसीलिए ये 50% नॉर्मल आरबीसी बनवाएगा, ये 50% सिकल शेप आरबीसी बनवाएगा, इसीलिए ये इंसान जिंदा तो रहेगा, लेकिन हाँ, इसको सांस लेने में तकलीफ रहेगी, ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, जल्दी थक जाएगा, क्योंकि आधे ही आरबीसीज हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो आधी ही ऑक्सीजन टिश्यूज को पहुंच रही है, तो जल्दी थक जाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना, कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, पर जिंदा रह लेगा, इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया का करियर, करिए, ये बेसिक फंडा है। तो ये यहां पर क्या शो कर रहे हैं, को डोमिनेंस शो कर रहे हैं,
कोडोमिनेंट। अब कायदे से जब अपन क्रॉस लगाते हैं हमेशा प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव पेरेंट लेते हैं, पर एक्चुअली ये क्रॉस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा इंसान तो है ही नहीं पॉपुलेशन में। आ रहा है समझ में? प्रैक्टिकली ये लिथालिटी का एग्जाम्पल है, लीथल। जैसे ही दोनों होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आते हैं पहले ही मर जाता है जाइगोट लेवल पर ही, तो ये लिथालिटी का भी एग्जाम्पल होता है। अब नहीं पूछते इसलिए छोड़ दीजिए आप, पर अगर फिर भी मैं बनाऊंगी तो एक ये पेरेंट हो जाता, एक ये पेरेंट हो जाता, ठीक है। एफ वन कैसा बनते? एफ वन सारे ऐसे बनते, फिर अपन इसका सेल्फिंग कराते तो एक मिलता ऐसा, एक मिलता ऐसा, दो मिलते ऐसे, 1:2:1। आ रहा है समझ? तो रेशियो वही आ जाता। तो ध्यान रखना करियर्स जो हैं वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। यहां तो कोडोमिनेंस एप्लीकेबल ही नहीं है, यहां कोडोमिनेंस एप्लीकेबल ही नहीं है। कोडोमिनेंस कहां एप्लीकेबल है? इस जगह पे जहां दोनों अलग अलग वाले अलील जाएंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। चल लिख लो, हो गया कोडोमिनेंस। चलिए नेक्स्ट थर्ड लिखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप, अब यही कुछ बेसिक्स पढ़ा रही हूं आपको, आप बनाना मेरे साथ। एक्चुअली ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा, जो आरबीसी है, बनाइएगा आरबीसी। आरबीसी एक नॉर्मल सेल है, एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल की तरह इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आप मत बनाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी रहती है, लिपिड की बाई लेयर, बीच बीच में प्रोटीन्स, ऐसे पड़ा है। और यहाँ पे शुगर्स रहती हैं, अगर आइडिया हो, जिससे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। तो हमारे आरबीसी के सरफेस पे भी कुछ शुगर्स बनती हैं, कुछ शुगर्स। शुगर बनेगी, हर चीज़ के बनने के लिए एंजाइम चाहिए, कोई ना कोई एंजाइम होगा। एंजाइम मतलब प्रोटीन, उसके लिए एमआरएनए होगा और उस एमआरएनए के लिए जीन होगा। यानी कोई पर्टिकुलर जीन होगा उसे पर्टिकुलर एमआरएनए बनेगा, उससे पर्टिकुलर प्रोटीन एंजाइम बनेगा, उससे पर्टिकुलर टाइप की शुगर बनती है। और ये फिक्स होता है कौन सी शुगर किस जीन से बनेगी। अब बनाइएगा, सपोज ये एक आरबीसी है और इस पर ऐसी वाली शुगर बनी, कुछ भी, कोई भी उसमें सीक्वेंस है प्रोटीन के साथ जुड़ के, बेसिकली ग्लाइको प्रोटीन बनता है, शुगर प्लस प्रोटीन, इसे कहते हैं ए शुगर। तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, लिख लो ए ब्लड। अगर उसके आरबीसी के सरफेस पर यानी मेम्ब्रेन पर ए वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, इसे एंटीजन भी बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन। अगर उसके आरबीसी पर बी है तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। अगर उसके पास जो जीन्स हैं, ए वाली भी शुगर बन रही है, बी वाली भी बन रही है, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप कहलाता है ए बी। और अगर उसके आरबीसी पर कोई शुगर नहीं है, नो एंटीजन, नो ग्लाइकोप्रोटीन, नो शुगर, तो जीरो मतलब ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब हर चीज के बनने के लिए एक जीन होना चाहिए, यहां पर भी एक जीन होगा। सपोज करो मैं उस जीन को आई लिख दूं, सपोज ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन शुगर बनाने वाला जीन आई है। नॉर्मली एक जीन के कितने अलील्स होते हैं? दो अलील्स होते हैं। यहां पर इसके तीन फॉर्म्स हैं। अगर ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, बनाइए अभी सब समझ आएगा, ऐसा, ठीक है। अब क्या हुआ? एंटीजन, एंटीजन, कोई शुगर नहीं बन रही है। अब एक इंसान के अंदर ये जीन जिस भी क्रोमोसोम पर है उसकी कितनी कॉपी आएंगी? एक इंसान में दो ही कॉपी आएंगी, यानी एक इंसान के अंदर इन तीन में से कोई भी दो मिलेंगे। चलो क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, आइए लिखते हैं। या तो ए ए मिल जाएगा, या ए ओ मिल जाएगा, या बी बी मिल जाएगा, लिखो, या बी ओ मिल जाएगा, या ए बी मिल जाएगा, या ओ ओ मिल जाएगा। क्या इन छह के अलावा कोई कॉम्बिनेशन किसी इंसान के अंदर पॉसिबल है? अगर इस जीन के तीन फॉर्म्स हैं तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ओ इधर हो, ए इधर लग जाए मेटाफेज में, वो एक अलग बात है, पर कॉम्बिनेशन छह ही पॉसिबल है। यानी जीनोटाइप्स छह पॉसिबल है, जीनोटाइप्स छह पॉसिबल है। अब समझो, अगर ये दोनों ए ए अलील आया, इसे आप कैपिटल टी के बराबर मानो, तो ये कौन सी शुगर बनवाएगा? ए। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए, लिख देते हैं फीनोटाइप।
ए। अब अगर बी भी आया तो बी। अब समझो ए और ओ में, अगर ए और ओ आया तो क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है उनका रिश्ता क्या है। अगर ओ डोमिनेंट हुआ तो ये कुछ भी नहीं बनवाएगा, और अगर ए डोमिनेंट हुआ तो ये ए बनवा देगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंट हुआ तो अलग कहानी होती, को डोमिनेंट होता तो अलग कहानी होती। पर यहां पर, यहां पर, यहां लिखते हैं अपन कि ए इज डोमिनेंट ओवर ओ। तो अब बोलो कौन सी शुगर बनेगी, ए। ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए। इसी तरह बी भी डोमिनेंट है ओवर ओ। ये रिश्ता देखा गया है, प्रूव किया गया है। कैसे प्रूव किया गया होगा, वही एफ वन में जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया होगा, एक ऐसा पेरेंट ले लिया होगा, एक ऐसा पेरेंट ले लिया होगा। इनका रिश्ता पता करना है ना, ए और ओ का। प्योर पेरेंट्स ले लिए होंगे, एफ वन में सारे ए ओ हुए होंगे। ए शुगर बनी तो ए डोमिनेंट, अगर कुछ भी नहीं बनता तो ओ डोमिनेंट होता। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। चलो इस कंडीशन में भी बी बन गया, तो दोनों के ब्लड ग्रुप बी हैं, यहां दोनों के ब्लड ग्रुप ए। अब ये रेसेसिव वाला एलील है, दोनों ही कोई शुगर नहीं बनवाएंगे, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अब समझो अगर ये कॉम्बिनेशन आता तो फिर रिश्ता देखना पड़ता। अगर ए डोमिनेंट होता बी पे तो कौन सी शुगर बनती, सिर्फ ए, ए ब्लड ग्रुप। अगर बी डोमिनेंट होता तो बी ब्लड ग्रुप। बट साइंटिस्ट ने देखा कि जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो आरबीसी पर ए भी बनती है, बी भी बनती है, यानी ये दोनों को डोमिनेंट है। तो मुझे बताइए सारे ब्लड ग्रुप्स जो हैं, क्या ए बी, ए बी ओ सारे कोडोमिनेंस का एग्जांपल है या सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप? सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं इस पूरे सिस्टम की, तो यहां पर एक जीन के नॉर्मली मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में दो बातें कही थी। एक, जब हेटरोजाइगस कंडीशन है डिससिमिलर तो वन डोमिनेंस दी अदर, और दूसरा पेयर्ड यूनिट फैक्टर जोड़े में रहता है। क्या यहां जोड़े में है पॉपुलेशन के अंदर? नहीं, एक जीन के दो से ज्यादा फॉर्म्स हैं, यानी इसे कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। तो पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है, बट कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल इनमें से सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप है। लिखिएगा तो कितने तरह के फिनोटाइप्स हैं, फोर टाइप्स के। मुझे बताओ अगर आपको मल्टीपल एलेलिज्म की स्टडी करनी है, क्या आप एक इंसान को देख के कह सकते हो कि इस जीन के मल्टीपल एलील्स हैं? नहीं, आपको पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। किसी में ए ओ मिलेगा, किसी में बी ओ मिलेगा, किसी में ए बी मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि इस कैरेक्टर के लिए एक से दो से ज्यादा अलील्स हैं, मल्टीपल एलेलिज्म है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी नीट में आया हुआ है कि टू स्टडी मल्टीपल एलेलिज्म यू नीड टू स्टडी पॉपुलेशन, इंडिविजुअल से पता नहीं कर सकते। लिखिए फटाफट से, बनाइए, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, रेशियो बनाएंगे। हो गया, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, मल्टीपल एलेलिज्म और कोडोमिनेंस दोनों पर समझाया अपन ने। देखो इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं अपन, बहुत इजी है, एक बार बना के दिखा रही हूं। देखो बनाओ, ये पेरेंट्स ले लिए ए और बी, प्योर पेरेंट्स ले लिए, एफ वन में सारे क्या हो जाएंगे, ए बी। इन सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अगर ए ब्लड ग्रुप आता तो ए डोमिनेंट होता, बी ब्लड ग्रुप आता तो बी डोमिनेंट होता, पर दोनों ब्लड ग्रुप आ रहे हैं यानी को डोमिनेंट है। फिर इसकी सेल्फिंग करेंगे, बिल्कुल इजी है। बोलो एफ टू में क्या आएगा, एक ए ब्लड ग्रुप, दो ए बी ब्लड ग्रुप और एक बी ब्लड ग्रुप। यही तो अपन ने बोला है 1:2:1 का रेशियो, 1:2:1। ये जीनोटिपिक हो गया, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, सिंपल। जीनोटिपिक फिनोटिपिक सब सेम है, 1:2:1। ये जीनोटाइप कहलाएगा, ये फिनोटाइप है, ब्लड ग्रुप कौन सा है कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप पूरा लिखे, सिर्फ समझना था आपने। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कहलाएगा मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल, ए बी ब्लड ग्रुप पर्टिकुलरली कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आ रहा है सबको समझ में? बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है।
यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं अपन, ए इज इक्वल टू बी, ये ए ओ पे डोमिनेंट है, बी ओ पे डोमिनेंट है, पर ए और बी आपस में को डोमिनेंट है, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन भी मिलता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल मिलता है यहाँ पे, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है।